नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 17 मार्च। आज का सवाल हमारी 25 बड़ी खबरों में से होगा, तो कृपया करके इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से सुनिए। तो चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। सिवान के मैरवा धाम में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। इष्टदेव बाबा हरिराम ब्रह्मा की नगरी मैरवा धाम में बाबा हरिराम के दर्शन के बाद ही मैरवा में कोई भी मांगलिक कार्य प्रारंभ होते हैं। चैत्र रामनवमी पर एक माह के मेले एवं नवरात्र पर भी काफी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। जन्मोत्सव में शरीक होने के लिए विभिन्न प्रांतों से भी भक्तगण आते हैं। पटना में जमीन खरीदना अब और ज्यादा हुआ महंगा। अगर आप भी पटना में कहीं जमीन खरीदने का मन बना रहे तो अब जमीन खरीदने के लिए आपको अपनी जेब और ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। खासकर की आर ब्लॉक दीघा 6 लेन के पास वाली जमीन को खरीदने के लिए अब वर्तमान रेट से 4 गुना ज्यादा रजिस्ट्री शुल्क देना होगा। खबरों की माने तो 25 लाख रुपए की जमीन के लिए अब खरीदारों को 95 लाख से ज्यादा रुपए की राशि देनी होगी। बिहार ग्रिड कंपनी ने निकाली रिक्तियां। बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड पटना ने फील्ड इंजीनियर और सुपरवाइजर पद के लिए 20 पदों पर आवेदनों की मांग की है। इन पदों के लिए अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास डिग्री या डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के साथ साथ 3 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना अनिवार्य होगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 15 अप्रैल तक www.bihargrid.co.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जाकर ले सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने पर अब परेशानी की कोई बात नहीं। अगर आपके पास भी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार ने सभी ड्राइविंग लाइसेंस रहित युवाओं के लिए राहत भरा ऐलान किया है, जिसके तहत मोदी सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के बाद लाइसेंस के घर तक पहुंचाने का ऐलान जारी किया है, जिससे कि अब किसी भी आम नागरिक को लाइसेंस बनवाने के लिए किसी भी मीडिएटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिहार के किसले ने गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड में दर्ज करवाया अपना नाम। राजधानी पटना के निवासी किसले ने बिहार का मान बढ़ाने का काम किया है, जिसके तहत किसले ने 2500 से ज्यादा मैथ्स के फॉर्मूले को संग्रहित कर सबसे ज्यादा मैथमेटिक्स फॉर्मूला बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। किसले को यह मुकाम उनके बीते 3-4 सालों की मेहनत से मिला है। अब आइए जानते हैं बिहार की जानी मानी हस्ती के बारे में। आज हम बात करेंगे बलदेव मिश्रा की। बलदेव मिश्रा का जन्म बिहार के बनगांव में हुआ था। बिहार में जन्मे बलदेव मूल रूप से 20वीं शताब्दी में मैथिली साहित्य के विपुल लेखक थे, जिन्होंने अपनी मातृभाषा मैथिली में कई विषयों पर विस्तार से लिखा। मैथिली के अलावा उन्होंने हिंदी और संस्कृत में भी कुछ किताबें लिखी हैं, जिसमें गणित, ज्योतिष, दर्शन और इतिहास से संबंधित विषयों को शामिल किया गया है। इसरो के साइंटिस्ट प्रोग्राम के लिए बिहार की सारा सालेह का हुआ चयन। बिहार में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, इसी का प्रमाण दिया है बिहार की सारा सालेह ने। इसरो द्वारा जारी किए गए वैज्ञानिक कार्यक्रम में बिहार के किशनगंज जिले से सारा का चयन किया गया है। वहीं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, चयनित 113 छात्रों में बिहार की सारा का नाम भी शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खराब हुई फसलों की राशि देने का जारी किया आदेश। पिछले दिनों बेमौसम बारिश की वजह से खराब हुई फसलों के लिए राशि देने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके तहत सरकार ने जल्द से जल्द कृषि मंत्री को इस पूरे मामले का संज्ञान लेने के साथ साथ आवश्यक कदम उठाने का निर्देश भी जारी किया है। सदन में सबको मास्क में देख मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लगाई सबकी क्लास। होली के बाद शुरू हुए विधानमंडल के सत्र के दौरान कोरोना के फैलते असर को देखते हुए कई नेता सदन में मास्क में नजर आए, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सबकी क्लास लगा दी। उन्होंने कहा कि आपके इस तरह से सदन में आने से लोगों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, सभी अपने मास्क हटा दें। विधानसभा में नियोजित शिक्षकों से बात करने की शिक्षा मंत्री ने कही बात। बिहार के शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा ने सड़कों पर उतरे सभी नियोजित शिक्षक से बातचीत का आश्वासन दिया है। विधानसभा के बाहर पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि हम सभी नियोजित शिक्षकों से अपील करते हैं कि अब आगे आकर कोरोना से निजात दिलवाने में सरकार की मदद करें और सरकार से बातचीत कर काम पर वापस लौट जाएं। मटुकनाथ जूली को लेकर 7 समंदर पार करके पहुंचे पटना। लव गुरु के नाम से प्रसिद्ध मटुकनाथ को एक बार फिर से जूली की याद आ ही गई, इसीलिए तो 7 समंदर पार करके वो एक बार फिर से जूली को लेकर पटना पहुंच चुके हैं। इतना ही नहीं, मटुकनाथ ने जूली की सेहत में भी सुधार होने का दावा किया है। साथ ही यह भी बताया है कि वो जल्द ही बिल्कुल ठीक होकर एक बार फिर से सामान्य जीवन व्यतीत करने लगेंगी। बीपीएससी ने जारी किया नया सिलेबस और नया परीक्षा पैटर्न। वर्तमान समय में कई सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बीपीएससी की तैयारियों में जुटे हुए हैं, मगर अक्सर सही सिलेबस और सही परीक्षा पैटर्न के नहीं पता होने से परीक्षार्थियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मगर अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बीपीएससी ने हाल ही में परीक्षार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नए सिलेबस और नए परीक्षा पैटर्न को अपने आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया है।
राज्य महिला आयोग भी अब कोरोना की वजह से हुआ बंद। कोरोना के चलते अब बिहार की राज्य महिला आयोग ने भी 31 मार्च तक अपने सभी कामों को बंद करने का ऐलान किया है। इतना ही नहीं, राज्य महिला आयोग ने बचाव के लिए राज्य के सभी सरकारी और गैर सरकारी कर्मचारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष दिलमणि मिश्रा ने बताया कि कोरोना को लेकर केवल बचाव के लिए हमने यह कदम उठाया है। 15 दिन के मिड डे मील के लिए छात्रों को मिल रहे हैं 115 रुपए। कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए सरकार ने सभी स्कूलों को 31 मार्च तक बंद करने का आदेश जारी किया है। इसके साथ ही सरकारी स्कूल में पढ़ रहे सभी छात्रों को मिड डे मील के बदले अनुदान राशि देने का ऐलान किया गया था, मगर अब आई खबरों के अनुसार सभी छात्रों को मिड डे मील के बदले मात्र 115 रुपए की राशि दी जा रही है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर बिहार सरकार की काफी ज्यादा किरकिरी हो रही है। भोजपुरी भाषा को 8वीं सूची में लाने के लिए जल्द ही पास किया जाएगा बिल। भारतीय जनता पार्टी के सांसद रवि किशन ने अपने बिहार दौरे के दौरान राज्यपाल फागू चौहान के साथ मिलकर भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री, भाषा और साहित्य के विस्तार को लेकर बातचीत की है और साथ ही भोजपुरी भाषा को 8वीं सूची में लाने के लिए प्राइवेट मेंबर बिल लाने का भी प्रस्ताव दिया है। इतना ही नहीं, पटना पहुंचे रवि किशन ने कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए लोगों से कोरोना से बचने की भी सलाह दी है। बजट हुआ पास, सभी विधायक ऑनलाइन माध्यम से पूछे अपने सवाल। दुनिया भर में फैले कोरोना का असर बिहार में भी बखूबी देखने को मिल रहा है। वैसे तो बिहार में अब तक एक भी कोरोना के मामले की पुष्टि नहीं हुई है, मगर सरकार ने अपनी तरफ से तैयारियां शुरू कर दी है। इतना ही नहीं, कोरोना का असर अब कार्य मंत्रणा समिति पर भी देखने को मिल रहा है, जिसके तहत बजट को कल पास कर दिया गया। वहीं विपक्षी दलों से ऑनलाइन माध्यम से सवाल पूछने की अपील की गई। कोरोना को रोकने के लिए रेलवे ने भी उठाए अहम कदम। कोरोना से अब तक भारत में 100 से ज्यादा मामलों की पुष्टि हो गई है। इसी बीच रेलवे ने भी अब कोरोना से बचने के लिए अहम कदम उठाए हैं, जिसके तहत रेलवे विभाग ने पूर्व मध्य रेलवे ने सभी ट्रेनों में सैनिटाइज करने का आदेश जारी किया है। इतना ही नहीं, एसी बोगियों में से पर्दों और कंबलों को भी हटाए जाने का निर्देश जारी किया है। तेजस्वी यादव ने कोरोना के नाम पर सरकार पर की टिप्पणी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक भी मौका नहीं छोड़ते सरकार पर तंज कसने का। इसी क्रम में तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से सरकार पर कोरोना को लेकर टिप्पणी करते हुए कहा है कि सरकार के गाइडलाइन जारी करने के बाद भी कृषि मंत्री समारोह में हिस्सा ले रहे हैं, जिसे गाइडलाइन को फॉलो करवाना चाहिए, आज वही नियमों को नहीं मान रहे। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने स्वास्थ्य मंत्री से इस्तीफे की मांग भी कर दी है। तेजस्वी यादव ने जीतन राम मांझी पर कसा तंज। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं, मगर बिहार की महागठबंधन सरकार में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। इसी क्रम में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जीतन राम मांझी को लेकर अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि हम पार्टी के मुखिया का दोहरा रवैया हमारी समझ से बाहर है। वो हमारे सामने कुछ और बोलते हैं और पार्टी से बाहर कुछ और बोलते हैं। कोरोना के चलते बिहार विधानसभा का सत्र अनिश्चित समय के लिए किया गया स्थगित। कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए बिहार सरकार ने सबकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 31 मार्च तक सभी स्कूल कॉलेज को बंद कर दिया था। अब इसी क्रम में बिहार सरकार ने अब सभी नेताओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बिहार विधानसभा का सत्र अनिश्चित समय के लिए स्थगित कर दिया है। सदन में दिखा राजद और कांग्रेस के बीच का मनमुटाव। ऑल इज वेल का दावा कर रही कांग्रेस और राजद सरकार की असलियत अब खुलकर सामने आ रही है। कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल की तरफ से लिखे गए पत्र के बाद दोनों पार्टियों के बीच की कसाकसी सामने आई थी, जो कि बीते सदन में भी देखने को मिली। जब राजद सदन में सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस चुपचाप बैठी थी। राज्यसभा के पांचों उम्मीदवारों का नामांकन पत्र बिल्कुल सही। 26 मार्च को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए बिहार से निकले पांचों उम्मीदवार का नामांकन सही पाया गया है, जिसकी जानकारी पीठासीन पदाधिकारियों ने नामांकन पत्र के जांच के बाद दी है, जिसके तहत अब राज्यसभा के लिए राजद की तरफ से प्रेमचंद्र गुप्ता और एडी सिंह, जदयू की तरफ से हरिवंश और रामनाथ ठाकुर, वहीं भाजपा की तरफ से विवेक ठाकुर का नाम तय हो गया है। अब चलिए बढ़ते हैं मौसम के खबरों की ओर। मुजफ्फरपुर, खगड़िया, वैशाली, सिवान, रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, वेस्ट चंपारण, जहानाबाद, शिवहर में दिन भर धूप रहेगा, तो वहीं कहीं कहीं हवा भी चल सकती है, तो कहीं कहीं हल्की बारिश भी हो सकती है। इसके साथ ही अरवल, सारण, दरभंगा, गया, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, पटना, पूर्णिया, बेगूसराय, भागलपुर, अररिया, बांका, शेखपुरा, सीतामढ़ी, जमुई, कटिहार, मधेपुरा, नालंदा, नवादा, सहरसा, समस्तीपुर, सुपौल, कैमूर में धूप निकलने की संभावनाएं हैं, तो वहीं कुछ जगहों पर बादल छाने के भी आसार हैं।
कोरोना की वजह से 19 मार्च से लेकर 31 मार्च तक फिल्मों और टीवी सीरियल्स की रिकॉर्डिंग रुकी। कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए सभी सार्वजनिक कार्यों को बंद किया जा रहा है। इसी क्रम में अब फिल्म इंडस्ट्री और टीवी इंडस्ट्री ने भी कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए 31 मार्च तक रिकॉर्डिंग को बंद करने का ऐलान जारी किया है। वहीं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए सभी सिनेमाघरों को भी 31 मार्च तक बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। गेल को हिंदी बोलता देख युवराज सिंह रोक नहीं पाए अपनी हंसी। वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर खिलाड़ी क्रिस गेल का भारत से एक अनोखा नाता है। इसी बीच गेल की एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा ट्रेंड कर रही है। दरअसल यह वीडियो खुद युवराज सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर की है, जिसमें गेल यह कहते नजर आ रहे हैं कि कॉन्फिडेंस मेरा, खबर तेरी बनेगी। वहीं युवराज सिंह इस वीडियो में क्रिस की बातों को सुनकर काफी ज्यादा हंसते भी नजर आ रहे हैं। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर्स से हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर्स का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनमें है मंसूर, आयुष कुमार, विकी कुमार, विकास कुमार, रमन कुमार, प्रमोद यादव, फैयाज अंसारी, सोनू कुमार, राजेश कुमार, स्टडी एम कुमार, देव कुमार यादव, निरंजन कुमार, ऋषिकेश कुमार, देवन साहू। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए। लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चले बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। बिहार सरकार द्वारा मिड डे मील के नाम पर 15 दिनों के लिए राशि देने का फैसला कितना सही कितना नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।